धनारी थाना इलाके के भागनगर गांव में किसानों के 10 दिनों के प्रदर्शन में 10वें दिन किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव के नेतृत्व में किसानों ने अर्धनग्न होकर ये प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पूरे देश में 100 से ज्यादा किसान संगठनों ने 10 दिनों तक गांव बंद कर रखा है। किसानों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी मौजूद रही हैं। दूध का भाव, पानी के भी रेट से कम है, और भी हमारा कच्चा माल है उसका भी कोई भाव नहीं है। हमारे कच्चे माल को लेकर के, और मतलब जब उसका परिवर्तन होकर के आता है तो कंपनियां अपने मुनाफा के तहत और महंगे दामों मिलता है। तो आप जो नाराज़गी है आपकी, वो किसी सरकार से नहीं है, बल्कि जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत आपको मूल्य नहीं मिल पा रहा है पूरा, उस सिस्टम से आपकी लड़ाई है। हमारी लड़ाई एक व्यवस्था से है। व्यवस्था से आपकी लड़ाई है, ना कि सरकारों से। सरकार कोई भी हो, सभी सरकारें हमारे साथ में ऐसा ही। तो धनारी थाना इलाके के भागनगर गांव में ये प्रदर्शन किसानों का जारी है। 10वें दिन इस प्रदर्शन ने जोर पकड़ा और सभी ने अर्धनग्न होकर यहाँ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल रहीं। हमारे साथ ज़रा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं संवाददाता सद्दाम। सद्दाम, किसानों की मुख्य मांगे क्या क्या हैं? जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से किसानों ने और जो के किसानों के जो संगठन है उन्होंने आह्वान किया है जी। जो के अपनी मांगों को लेकर जो उन्होंने आज आखिरी दिन है, 10वां दिन है, और जो उसका असर है जो किसानों का, जो के भारत बंद का जो उन्होंने गांव में आह्वान किया था, तो उसमें जो किसान, भारतीय किसान यूनियन जो के अराजनीतिक असली राष्ट्रीय सचिव ऋषिपाल सिंह के नेतृत्व में लगभग जो के 100 से 150 किसान थे, इसमें महिलाएं भी शामिल थी, और इन्होंने अर्धनग्न होकर और इस संबंध में प्रदर्शन किया है, और साथ ही जो के अपना जो मूल्य है उस मूल्य में बढ़ोतरी को लेकर भी इसमें मांगे उन्होंने रखी है, और कई सूत्रीय इनकी मांगे हैं, और फिलहाल जो है प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है, और कुछ ही देर में बताया गया उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचेंगे और जो इनकी मांगे हैं उसको लेकर इनसे वार्तालाप की जाएगी और एक ये उनको ज्ञापन भी सौंपेंगे। जी, ऐश्वर्या। धन्यवाद सद्दाम, हम लगातार आपसे इस मामले पर अपडेट लेते रहेंगे।